एक ऐसी सिंगर जिन्होंने अपनी आवाज से न केवल देश में बल्कि विदेशों तक में अपनी खास पहचान बनाई। आप यूं भी कह सकते हैं कि एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिसने न केवल उनकी उम्र के लोगों को बल्कि आज के नौजवानों को भी काफी इंस्पायर किया है और उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश भी करते हैं लोग। सस्पेंस को खत्म करते हुए हम आपको बता दें कि हम बात कर रहे हैं आशा भोसले जी की, जिन्होंने अपनी गायकी से करोड़ों दिलों को अपना मुरीद बनाया और कई उपलब्धियां भी अपने नाम की। चलिए आज की इस वीडियो के जरिए हम जानते हैं आशा भोसले जी के बारे में कुछ अनसुनी बातें। कहानी की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के एक शहर सांगली से, जहां आशा भोसले जी का जन्म हुआ। इनका जन्म 8 सितंबर 1993 को हुआ और आज ये 90 साल के हो चुकी हैं। बात इनके परिवार की करें तो इनका परिवार एक संगीत घराने से ताल्लुक रखता है। उनके पिता मास्टर दीनानाथ मंगेशकर, जो कि उनके गुरु भी रहे हैं और मराठा समाज से ताल्लुक रखते थे। इनके पिता की बात करें तो वो मराठी म्यूजिकल स्टेज में एक एक्टर और क्लासिकल म्यूजिशियन थे। इनकी माँ शेवंती मंगेशकर एक हाउसवाइफ थी। वहीं भाई बहनों में उनके एक भाई मंगेशकर और बहनों में लता मंगेशकर जो कि बड़ी बहन थी, और उनके अलावा उषा मंगेशकर और मीना खादिकार हैं। आपको बता दें कि आशा जी की बड़ी बहन, जिन्हें स्वर कोकिला भी कहा जाता था, वो आज हम सबके बीच में नहीं है। तो दोस्तों, बातों का सिलसिला यूं ही आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि उनकी लाइफ में और क्या क्या हुआ। दोस्तों, जब आशा जी 9 साल की थी तो उनके पिता इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गए। उनके जाने के बाद आशा जी का पूरा परिवार पुणे के कोल्हापुर में शिफ्ट हो गया और कुछ दिन वहां रहने के बाद ये लोग मुंबई में शिफ्ट हो गए। बड़ी बहन यानी कि हमारी प्यारी लता दीदी ने घर की माली हालत को देखते हुए अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए फिल्मों में गाने गाना शुरू किया। यहाँ आपको एक बात बताना चाहेंगे कि आशा जी और उनकी बहनों को संगीत की शिक्षा उनके पिता ने ही दी थी और इसी शिक्षा के साथ उन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी। दोस्तों, मेलोडी क्वीन कही जाने वाली आशा भोसले ने साल 1943 से अपने म्यूजिकल करियर की शुरुआत करी। वहीं हिंदी फिल्मों में उन्हें सबसे पहले फिल्म चुनरिया में गाना गाने का मौका मिला। इस गाने की बोल सावन आया थे। इस गाने के बाद आशा जी की आवाज को पसंद किया गया। आपको बता दें कि शुरुआती दिनों में आशा जी किसी भी गाने के लिए कोई भी चार्ज लेने को तैयार थी, यानी कि वो कम पैसों में भी गाने गा लिया करती थी। अपनी कड़ी मेहनत और मधुर आवाज से आशा जी ने लोगों के दिलों में अपने लिए एक जगह बनाई। उसके बाद आशा जी अपनी मधुर और सुरीली आवाज का जादू चलाने में कामयाब रही और जल्द ही उन्हें उनके करियर में वो मोड़ भी मिला जिसकी वो काफी दिनों से तलाश कर रही थी। और इस तरह आगे बढ़ते हुए आशा जी ने कई फिल्मों को अपनी आवाज दी और उन फिल्मों में साल 1953 में आई फिल्म परिणीता, 1954 में आई फिल्म बूट पॉलिश और 1956 में आई CID जैसी फिल्में रही। आशा जी ने कुछ ऐसे गाने भी गाए जिन्हें लोग आज भी गुनगुना लेते हैं। उन्हीं गानों में आशा जी का ये गाना काफी मशहूर रहा जिसके बोल हैं उड़े जब जब जुल्फे तेरी। इस गाने से उन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री में अपनी अच्छी खासी पहचान बना ली और वो वाला गाना तो शायद हमारे जहन में आज भी कहीं ना कहीं दस्तक दे ही देता है, जिसके बोल हैं मांग के साथ तुम्हारा। इन दोनों गानों की वजह से आशा जी म्यूजिक इंडस्ट्री की टॉप सिंगर्स में शामिल हो गई। उसके बाद आशा जी ने एक के बाद एक कई सुपरहिट गाने गाए, जैसे दीवाना हुआ बादल, आओ हुजूर तुमको, ऐ दिल मेहरबान, और इन गानों ने आशा जी को लोगों की फेवरेट सिंगर बना दिया। मेहनत और लगन से वो यूं ही तरक्की के रास्ते में आगे बढ़ती रही और उनकी इन रास्तों को मंजिल मिली साल 1974 में, जब आशा जी ने फिल्म प्राण जाए पर वचन न जाए के लिए चैन से कभी आपने हमको जीने ना दिया गाना गाकर एक नया इतिहास रचा। उनकी शानदार सफलता के बाद उनसे SD बर्मन जैसे कई म्यूजिक डायरेक्टर्स जुड़ने लगे। और दोस्तों, इस तरह से SD बर्मन जी के साथ जुड़ने के बाद आशा जी ने कई हिट साउंड ट्रैक्स बनाए, जिनमें फिल्म काला पानी, काला बाजार, इंसान जाग उठा, तीन देवियां जैसी फिल्में रही। आपको बता दें, मोहम्मद रफी और किशोर कुमार जैसे महान संगीतकारों के साथ भी आशा जी ने गाने गाए जो आज भी लोगों की जुबान पर है। SD बर्मन जी आशा जी की लाइफ में यूं आए जैसे कोई गॉडफादर आ रहा है और उनकी मदद से आशा जी का करियर चरम पर पहुंच गया। और तीसरी मंजिल जो कि साल 1966 में आई थी, उससे उन्हें खूब पॉपुलैरिटी मिली। आशा जी बेहतरीन डांसर हेलन की आवाज बनी। साल 1966 में आई फिल्म तीसरी मंजिल का वो गाना ओ हसीना जुल्फों वाली आज भी DJ पार्टीज और नाइट क्लब्स की जान है। साल 1971 की अगर बात करें तो फिल्म कारवां का गाना पिया तू अब तो आ जा, ये तो हर नौजवान की दिलों की धड़कन है। और इस तरह 1978 में फिल्म डॉन का गाना ये मेरा दिल और 1972 में फिल्म जवानी दीवानी का गाना जा जाने जा भी उनके बेहतरीन गानों में से है, जिसने आशा जी की लो पिच को हाई पिच तक पहुंचा दिया। आशा जी ने देशभक्ति से लेकर रोमांटिक गानों की कई सीरीज पेश की। इन्हीं सीरीज में उनका एक गाना दम मारो दम इतना पॉपुलर हुआ जिसने कई सालों तक अपनी पोजीशन टॉप पर बनाए रखी। 1990 में आशा जी ने कई बेहतरीन गानों को अपनी आवाज दी, जिनमें कम वक्त इश्क, तन्हा तन्हा और चोरी पे चोरी जैसे गाने शामिल है। दोस्तों, इस तरह आशा जी ने अपने करियर को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए काफी संघर्ष किया और बेहतरीन गानों के साथ अपनी यादगार छाप भी छोड़ी। दोस्तों, यहां एक बात बताना चाहूंगा, कोई इंसान अगर सफलता की सीढ़ी चढ़ता है तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे रिश्ते उसके हाथों से फिसल जाते हैं जिन्हें वो दोबारा
कोई पकड़ नहीं सकता। ऐसा ही कुछ हुआ हमारी आशा जी के साथ जब उनके करियर में एक समय ऐसा आया कि उन्हें बॉलीवुड में एक प्लेबैक सिंगर के रूप में अपनी बड़ी बहन लता मंगेशकर के खिलाफ खड़ा होना पड़ा। हम समझ सकते हैं कि आशा जी के लिए वो वक्त कितना कठिन रहा होगा। आशा भोसले ने हिंदी गानों को ही अपनी आवाज नहीं दी बल्कि आपको बता दें कि इन्होंने कई मराठी बंगाली गानों को भी अपनी आवाज से नवाजा। अगर हम आशा जी की लिस्ट के बारे में डिस्कस करने बैठेंगे तो शायद एक वीडियो कम पड़ जाएगी। खैर अब जान लेते हैं आशा भोसले जी ने अपने अचीवमेंट कब और किस फिल्म के लिए अचीव की। दोस्तों बॉलीवुड गाने जैसे गरीबों की सुनो, पर्दे में रहने दो, पिया तू अब तो आजा, दम मारो दम, होने लगी है रात के लिए उन्हें फेवरेट फीमेल प्लेबैक सिंगर के रूप में फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुका है। फिल्म रंगीला के लिए 1996 में आशा जी को एक स्पेशल अवार्ड से भी नवाजा गया। साल 2000 में आशा जी को दुबई में सिंगर ऑफ द मिलेनियम अवार्ड से सम्मानित किया गया। साल 2001 में आशा जी को फिल्म फेयर की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। साल 2008 में केंद्र सरकार ने आशा भोसले जी को एक राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा जिसका नाम पद्म विभूषण है। ये पुरस्कार उन्हें भारत के इस कला में महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रदान किया गया। इसके साथ ही आशा जी ने कुछ और अवार्ड जैसे कि मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र सरकार द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार एवं अन्य अवार्ड भी अपने नाम किए। दोस्तों आशा जी ने लाइफ में जितनी तरक्की की उतना ही उनका नाम कॉन्ट्रोवर्सी से भी जुड़ा। एक बार बॉलीवुड सिंगर हिमेश रेशमिया ने सूरत में हुए एक कार्यक्रम के दौरान आशा जी के पति आरडी बर्मन के गाने को लेकर अपनी राय दी कि वे नाक से गाना गाते हैं। इस बात से आशा जी बहुत खफा हुई जिसके बाद आशा जी ने गुस्से में आकर कहा कि अगर बर्मन साहब के बारे में कोई ये कहेगा कि वे नाक से गाते हैं तो उसके मुंह पे थप्पड़ पड़ना चाहिए। यूं तो हम सभी जानते हैं कि आशा जी ने बचपन से लेकर अपने करियर में काफी स्ट्रगल किया और आशा जी ने अपने पर्सनल लाइफ में भी काफी बुरा वक्त देखा। तो चलिए जान लेते हैं अब थोड़ा उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। आशा जी ने बहुत कम उम्र में यानी 16 साल में अपने परिवार के खिलाफ जाकर 31 साल के गणपत राव भोसले के साथ शादी कर ली थी। हालांकि ये शादी ज्यादा समय तक नहीं टिकी। आशा जी और गणपत राव दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। उस दौरान आशा जी और उनके दो बच्चे हेमंत और वर्षा भी थे और तीसरे बच्चे से भी गर्भवती थी। इसके बाद आशा जी जब एक प्लेबैक सिंगर के रूप में काम कर रही थी तब उनकी मुलाकात हुई आरडी बर्मन जी से और फिर उनके बीच में नजदीकियां बढ़ी और उन्होंने 1980 में शादी कर ली लेकिन 1994 में उनकी डेथ हो गई। चलिए अब हम आशा जी की उन बातों के बारे में भी जान लेते हैं जिनके बारे में बहुत करीबी लोग ही जानते हैं। आशा जी और उनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर जी बचपन से ही एक दूसरे के काफी करीब रही। लता हर समय आशा को लेकर चलती थी। लता जी ने आशा जी की देखभाल एक माँ बनकर की। आशा जी की लाइफ में एक वक्त ऐसा भी आया जब वो बुरी तरह से टूट गई। दरअसल उनकी बेटी वर्षा ने 2012 में सुसाइड करने की कोशिश की क्योंकि वो तनाव से लड़ रही थी। बात आशा जी के गानों की करें तो अब तक आशा जी द्वारा गाए हुए गानों की गिनती 12,000 से ऊपर है। साल 2013 में आशा जी ने फिल्मों में एक्टिंग करने की शुरुआत की। उन्होंने एक मराठी फिल्म माई में माँ का रोल प्ले किया। आशा जी अपने बेटे की बेटी यानी अपनी पोती को भी ट्रेनिंग दे रही हैं और उसने मराठी फिल्म माई के साथ अपने गायन करियर की शुरुआत भी की। आशा भोसले न सिर्फ बेहतरीन सिंगर है बल्कि एक अच्छी कुक भी है और यही वजह है कि उन्होंने अपने कई रेस्टोरेंट्स खोले। अब जानते हैं कि आशा जी ने अब तक कितनी नेटवर्थ इकट्ठा कर ली। आशा जी के दुबई, कुवैत, मैनचेस्टर के अलावा और भी कई देशों में रेस्टोरेंट्स हैं और यही वजह है कि उनकी नेटवर्थ भी काफी शानदार है। आशा भोसले की नेटवर्थ है 80 करोड़ के करीब। बात गाड़ियों की करें तो उनके पास ऑडी 8 और ऑडी Q7 है। आशा जी की सिंगिंग की जितनी तारीफ करें दोस्तों उतनी कम है क्योंकि ये एक ऐसी सिंगर है जिनके गाने ने लाखों करोड़ों लोगों को उनका फैन बना दिया। उनके गाने लोगों को इतने पसंद है कि आज भी उनकी जुबान पर वे गाने होते हैं। बस इतना ही कह सकते हैं कि आशा जी हमारे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का एक चमकता हुआ सितारा है जो हमेशा हमारे दिलों में रहेगी। दोस्तों आप भी आशा जी के फैन हैं तो वीडियो को लाइक करें, पेज को फॉलो करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।